नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો એસીબી 24 ન્યૂઝ। રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષે 20મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતા વડોદરા શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં આવેલ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય નગરગૃહ ખાતે આરએસપીના 19મા સ્થાપના દિન નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આરએસપીના કાર્યકરો દ્વારા શહેરમાં રેલી પણ યોજવામાં આવી હતી, તેમજ આ કાર્યક્રમમાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી તેમજ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહાદેવ જાનકર તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ भव्य समारोह नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में महाराष्ट्र पूर्व केबिनेट मंत्री पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर अने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल बापू खास उपस्थित रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रागट्य करीने करवामां आवी हती, तेमज तमाम महानुभावों नुं सम्मान करी कार्यक्रम की शुरुआत कराई हती। राष्ट्रीय समाज पक्षना 19मो स्थापना दिवस समारोह में महाराष्ट्र पूर्व केबिनेट मंत्री और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष શ્રી મહાદેવ જાનકર આવી પહોંચ્યા હતા અને ગુજરાતમાં દિલીપસિંહ ગોહિલ બાપુ પાર્ટીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે કમાન સંભાળી છે, ત્યારે હવે આગામી સમયમાં આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ તમામ 182 સીટો પર લડવાની તૈયારી બતાવી છે। મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આગામી સમયમાં પાર્ટી કેવી રીતે આગળ વધશે તે દિશામાં કાર્યકરોને સંબોધન કર્યું હતું। રાષ્ટ્રીય સમાજ પાર્ટી કા સ્થાપના દિવસ વડોદરામાં હમ મના રહે હૈ, उसके लिए गुजरात की जनते को धन्यवाद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। महाराष्ट्र के बाद प्रैक्टिकल दृष्टि देखेंगे तो सक्सेस होने वाली पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी यह है। हमारे कॉर्पोरेटर भी जीत के आए हैं पिछली बार, यहाँ तो हम महाराष्ट्र के बाद विजय हासिल करने वाला हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टेट गुजरात है। तो आज हम राष्ट्रीय समाज पार्टी को 19 साल हुए, 2003 में हमने पार्टी को फाउंडेशन बनाया था, तो अभी 19 साल हो गए। तो मैं यहाँ के हमारे गुजरात की टीम है जो उसको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि आज सुबह से 12 बजे से हम रैली से घूम रहे हैं तो अच्छा माहौल बना दिया है, तो उसको शुभकामना देने के लिए मैं आज आया हूँ। सर, आगे वाली जो अभी गुजरात में आने वाली जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें तैयारी कैसी है और आप अकेले लड़ोगे कोई पार्टी के साथ में लड़ोगे? हम अभी गुजरात में सब जगह लड़ाने के लिए ही नेशनल फाउंडेशन डे यहाँ रखा है। आने वाले 2 महीने के अंदर यहाँ जो असेंबली का इलेक्शन है गुजरात में, तो हम 182 पूरे सीटें खुद के बलबूते पर लड़ेंगे। किसी के साथ अलायंस वगैरह कुछ हम नहीं करेंगे, हमारे बलबूते पर हम लड़ने की कोशिश में कगार में रहेंगे। सर, आप पार्टी है जो अलग अलग मुद्दों को लेके यहाँ आई है, तो आप क्या मुद्दा लेके आए? हम क्या है, जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो किया नहीं वो करने वाली हमारी पार्टी का एजेंडा रहेगा। जो वो लोगों ने बचा हुआ काम रखा है उसका जो कार्य बचा है उसका पूरा करने का हम काम करेंगे। हम तो हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो बेरोजगारी के बारे में, ये तीनों मुद्दे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके गुजरात को जनता को हम अपील करेंगे। और महाराष्ट्र में तो हम जीत चुके हैं, अभी यहाँ भी जीतने के लिए आए हैं। तो हम बीजेपी में जो है गुजरात मॉडल पर अलग अलग राज्यों में बात करते हैं, तो आप गुजरात में क्या नया लेके आए? नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना, बेरोजगारी का मुद्दा है, हेल्थ और एजुकेशन का ही मुद्दा है। गुजरात में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। देश का प्रधानमंत्री यहाँ का है लेकिन कुछ इतना विकास नहीं हुआ। उससे तमिलनाडु भी ठीक चल रहा है, तेलंगाना अच्छा चल रहा है, महाराष्ट्र अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो रोजगारी के मुद्दा है और सोशली और इकोनॉमिकली ट्रांसमिशन, ये राष्ट्रीय समाज पार्टी का हमारा एजेंडा है। सर, दारूबंदी के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष क्या रणनीति? ये क्या है, दारूबंदी तो गुजरात में भी है लेकिन सबसे ज़्यादा दारू का यही प्रोग्राम चल रहा है। दारूबंदी, गुटखाबंदी तो गुजरात से हम सुनते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बम्बई में माल प्रोवाइड करने वाला गुजरात ही स्टेट है ना, तो कैसा दारूबंदी से दूर। मेरा भी चीफ मिनिस्टर बनेगा तभी, जल्दी होने वाला नहीं है। उसको ऊपर जनता को लायक पड़ना पड़ेगा, जनता को न बेचने वाला समाज तैयार हो जाएगा तब न बेचने वाला नेता तैयार हो जाएगा। जनता बिक जाती है तो नेता ही बिक जाता है। आपने देखा तो महाराष्ट्र और गोवा का मॉडल क्या किया है। और रीजनल पार्टी को ख़त्म करने का काम ये कांग्रेस और बीजेपी करती है, यही पार्टी को ख़त्म करने के लिए हम उभर रहे हैं। सर, कैबिनेट मिनिस्टर आप रह चुके हो तो आपका अनुभव गुजरात आने वाले चुनाव में काफ़ी यहाँ पे रहेगा अनुभव? मैं लास्ट ईयर में यहाँ राजेश आहिरे बोल के मेरे कैंडिडेट थे, सेकंड पोजीशन में रहे। कॉर्पोरेटर भी 4-5 आए हैं, करजन में भी है, तो मैं गुजरात में बार बार आता हूँ।
दो महीने के अंदर आता हूँ, और मिनिस्टर होने से पहले भी आता था, मिनिस्टर था तभी भी, और अभी भी आ रहा हूँ। तो अभी खुद के बलबूते पे आरएसपी के सब एमएलए की सीटें हम खड़ा करेंगे और कुछ ना कुछ तो रिजल्ट पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आरएसपी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष जेवी रीते महाराष्ट्र की अंदर सत्ता में है एवं रीते आ वर्षे 2022 अंदर अमे लोग 182 तैयारी करेली है कि जे आवनारा समय में 182 अमारा उम्मेदवार हशे। अने भाजप कांग्रेस ने आप करता अमारी राजनीति पूरी राजनीति आखी अलग हशे अने संपूर्ण राजनीतिना मुद्दा पूर्ण करवानु आरएसपी नू काम रहेशे। अने आरएसपी बहु जंगी थी आ वक्त 182 में थी, सरकार अमारा सिवाय नहीं बने एवो प्रयत्न 100% करशे। क्या मुद्दा ने लईने आप इलेक्शन में आवशो? आम जोवा जाइए तो गुजरातनी अंदर 70 जे पण पॉलिटिकल पार्टी है अलग 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 मुद्दाओं थी जे लड़ी रही है, जेवी रीते शिक्षण है, आरोग्य है, बेरोजगारी है, अनामत है, आ तमाम मुद्दा पर लड़ी रही है। पर आरएसपी पार्टी नो एक अलग मुद्दों एवो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। एनो मतलब एवो थाय छे के गुजरातनुं जे काई बजेट छे, बजेटनी अंदर गुजरातना गुजरात समाजनी अंदर जेटली पण ज्ञातिओ रही छे गुजरातनी अंदर, ए तमाम ज्ञातिओने एमनो एमनो हिस्सो मळवो मळे एनी लड़ाई आरएसपी पार्टी 2022 182 मेन अहम मुद्दा पर इलेक्शन लड़शे। अरविंद केजरीवाल जे जी जाहेरात करी रह्या छे एनी अंदर तमे जोशो के भारतना बंधारणनी अंदर पहेलेथी लखेलुं छे के आरोग्य अने शिक्षण भारतीय नागरिकने मळवुं जोईए, पण ए मुद्दो लाइट बिल ने आ जे अननेसेसरी जे अलग मुद्दा छे एना पर राजनीति अरविंद केजरीवाले करवी ना जोईए, कारण के जेथी करीने के गुजरात सरकार होय के केन्द्र सरकार होय तमामने आ वस्तुथी नुकसान थाय छे। नुकसानथी जो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार ने नुकसान जशे तो आवनारा समयनी जे पण पॉलिटिकल पार्टी रहेशे ए सारी रीते शासन नहीं करी सके अने लोकोनी जरूरियात पूरी नहीं करी सके। ओके थैंक यू बाबू। राजकारणनी अंदर समाजकारण पण होवुं जोईए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।